नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा मैं कि शर्ट की कॉलर घूमने का तीन कारण हो सकता है। दोस्तों तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि फैशन पट्टी सही तरीके से चिपकानी होगी, और दूसरा कारण ये होगा कि जब हम तीरा जोड़ते हैं तो सिलाई सही तरीके से जोड़ना होगा, और तीसरा कारण ये होता है कि दोस्तों हम तीरे के बीच का सेंटर लगा के कुटका लगा के और कॉलर का बीच का कुटका लगा के जब हम जुड़ाई करेंगे तो दोस्तों सही तरीके से कॉलर चढ़ेगी और कॉलर घूमेगी नहीं। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। ये शर्ट मैंने बनाई है, ये कॉलर है दोस्तों, ये बिल्कुल सेंटर में है दोस्तों, सही तरीके से है। ये कॉलर इसकी घूमेगी नहीं। इसका घूमने का कारण ये होता है कि जब हम लेस्टिंग करते हैं, फैशन पट्टी चिपकाते हैं दोस्तों, फैशन पट्टी चिपकाते हैं तो सही तरीके से नहीं चिपकाते हैं। यदि दोस्तों आपको चिपकाना नहीं आता है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दूसरा कारण ये होता है कि जब हम ये कंधी जोड़ते हैं दोस्तों, सिलाई करते समय ये कंधी जोड़ते हैं तो इसका दबाव कम ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी ये कॉलर घूम सकती है। और तीसरा कारण ये होता है कि दोस्तों जब हम ये कॉलर जोड़ते हैं तो इसका बीच का सेंटर यहाँ पर तीरे का निकाल लेना होगा, और जब हम कॉलर बनाते हैं और उसका भी बीच में से सेंटर निकाल के और फिर हम जुड़ाई करेंगे दोस्तों तो ये कॉलर घूमेगी नहीं। ज्यादातर हम गलतियां शुरुआत में करते हैं दोस्तों, बाद में क्या होता है कि हमें धीरे धीरे पता लग जाता है किस तरह से कॉलर सही तरीके से आती है। दोस्तों पहले मैं भी बनाता था तो कॉलर घूम जाती थी, लेकिन आज मैंने 16-17 साल हो गई है दोस्तों, तो मैं सही तरीके से चढ़ा लेता हूँ और इसमें कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।